हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ। जैसा कि आप लोग जो लोग MI का मोबाइल यूज़ करते हैं और अपने MI अकाउंट का जो है दोस्तों, अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो उसे रीसेट कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हम जो देख लेंगे हमारा जो MI अकाउंट ये लिखा है, ये MI अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक दोस्तों, अगर हम इसको साइन आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम साइन आउट करने के लिए हम जो साइन आउट कर रहे हैं दोस्तों, पासवर्ड लगता है हमारा। ठीक है, वो अगर हम भूल गए तो दोस्तों उसको जो है हम पास उसको जो है उसका MI पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे, वो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, हमको खोलना है क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे हमें टाइप करना है MI अकाउंट पासवर्ड रीसेट। MI अकाउंट ये आ गए, MI अकाउंट रीसेट। ठीक, रीसेट कर देंगे, रीसेट पासवर्ड ये आ गया, फर्स्ट में आ गया आपको MI अकाउंट रीसेट पासवर्ड। ठीक है, आप इसको यहाँ पे फर्स्ट पे अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वो रजिस्टर नंबर डालेंगे जो आपने MI अकाउंट बनाया था। ठीक है, उसमें आपने जो डाला था वही नंबर हम आप इसमें डालेंगे। तो मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ, आप भी अपना नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के दोस्तों उस जो नंबर आपका रजिस्टर नंबर जिससे आपने अकाउंट बनाया था उसको आप पासवर्ड भूल गए हैं। ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए उस पर एक OTP जाएगा। ठीक दोस्तों, तो उस OTP हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये कैप्चा दिख रहा है आपको, इसे टाइप कर लेना है पहले। ठीक है, तो मैं इसे टाइप कर लेता हूँ, आपके में जो कैप्चा आएगा वो आप उसे टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन कोड गया है दोस्तों, तो मेरा नंबर उस पर, तो मैं वेरिफिकेशन कोड डाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी ऐसा कर लीजिए, डाल दीजिए, तो मैं वेरिफिकेशन कोड डाल लेता हूँ उसमें 390580 दोस्तों, ये मैंने डाल लिया। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। दोस्तों सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों, न्यू पासवर्ड के लिए आपको आ गया। ठीक है, तो जो भी आपका पासवर्ड है, मैं भी अपना पासवर्ड इसे इसमें डाल लेता हूँ, न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको लॉगिन करके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। ये दोस्तों सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, हम बैक आ जाते हैं। ठीक, बैक आने के बाद दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम वापस से जो है मोबाइल की सेटिंग में आ जाते हैं। दोस्तों मोबाइल की सेटिंग में आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये MI अकाउंट है। ठीक है, मैं वो अकाउंट में अपना नंबर डालना है, जो भी आपने नंबर डाला था, मैं डाल लेता हूँ अपना नंबर। ठीक है, इसको वेरिफिकेशन कोड आपको जो है मांगेगा, तो अपन को वेरिफिकेशन कोड डाल लेना है। ठीक है, तो मैं वेरिफिकेशन कोड डाल लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। ठीक, ये दोस्तों ये वेरीफाई हो गया है। देख लो दोस्तों, हमारा ये अकाउंट है वो हमने पासवर्ड रीसेट किया था दोस्तों, ये हमारा लॉगिन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, OTP के द्वारा ही लॉगिन हो चुका है। ठीक, अगर इसको हम क्या है ना दोस्तों, लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लॉग आउट कर दिया। ठीक, तो इसका पासवर्ड भी चेंज हो गया अब दोस्तों, इसमें से मैंने लॉग आउट भी कर दिया दोस्तों। ठीक है।